दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। पांवटा शिलाई गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग के डंपिंग यार्ड के मलबे से नुकसान के मामले में प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक मुंजाल ने कहा कि यह अथॉरिटी इंजीनियर का सुपरविजन फेलियर है, डंपिंग साइट के चयन में गलती हुई है। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश से डंप यार्ड का मलबा खेतों और लघु उद्योगों में घुस गया था। डंप यार्ड के मलबे से खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दो पानी से चलने वाली चक्कियां नष्ट हो गई हैं और एक कूहल पूरी तरह टूटकर नष्ट हो गई है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक मुंजाल ने डंप यार्ड के चयन में हुई गलती को स्वीकारा है। वहीं एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रही कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही कंपनियों को नुकसान की भरपाई तुरंत करने को कहा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो गांव वालों के जो जो नुकसान हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक घराट जो है, घराट डैमेज हुआ है एक, और ऊपर पानी की जो इनका जो कूल थी वो टूटी है, और इसी तरह से जो नुकसान हुए हैं उसमें जैसे घराट खराब हुआ है उसमें जो जो उसमें जो जिसको जिसका घराट है उसको फौरन ये राहत देंगे, दो दिन के अंदर अंदर अभी कैश इसको देंगे और उसके बाद इसको पूरा घराट जिस स्थिति में था उस स्थिति में बना के देंगे। और ऊपर जो टैंक टूटा है उसके लिए इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये, क्योंकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे ये टैंकीज रखेंगे, वाटर टैंक्स रखवाएंगे, जब तक वो टैंक नहीं बनता उसको भी रिस्टोर करेंगे ये, ठीक है। और एक कहीं पे लिंक रोड भी इनका जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए जो है बड़वास में लिंक रोड एक डैमेज हो रहा है, वो लिंक रोड भी अल्टीमेटली यही बना के देंगे एनएच की अथॉरिटी जो काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो है वो, ताकि ज़्यादा वो डैमेज ना हो लिंक रोड को, तो नीचे से उसके जो है रिटेनिंग वॉल वगैरह भी लगा के देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी ये भरपाई करेंगे, और जब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था एनएच का है, मिस्टर सी जी ने इसको जो है ये प्रपोजल जब फाइनल हुआ था डीपीआर का, उसमें ये सब डंपिंग साइट अकॉर्डिंगली उन्होंने फाइनल की थी। बट डंपिंग साइट फाइनल करके दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतरतीब तरीके से जो है कुछ भी कचरा कुछ भी वहाँ पे आप करेंगे या कलवर्ट को रोक देंगे। जो भी अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, चाहे वो पानी की निकासी को लेकर के हों या उस डेबरी के फ्लो को रोकने के लिए हों, वो EPC कॉन्ट्रैक्टर को करने हैं जो कि ये करेंगे। बट आगे जैसे पैकेज 3 में होगा, या सपोज पैकेज 5 में भी हमने डंपिंग साइट का प्रोविजन रखा है, उसमें ये है कि जब तक आप अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन वर्क आप नहीं ले लेंगे, यू विल नॉट अलाउ टू द कॉन्ट्रैक्टर टू कट द हिल, दैट्स इट पीरियड। इसकी जो खामियां है सर, एक तो इसका प्रॉपर जो पानी का नाला है वो सड़क की ओर घूम गया है, वो सीधा हमारे गांव के ऊपर आ रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे जो है इन्होंने कच्चा पतली तारे लगाई और कच्चे पत्थर है, बिल्कुल कच्चे है सर, और जैसे ये बारिश हो रही है मलबा नीचे चला जाता है। हम चाह रहे हैं इसमें जो है कि एक तो हमारा जो कूल के लिए पाइप दबनी है सीमेंटेड वो दबा दी जाए, और जो हमारे नीचे 2-3 पुल डूब गए हैं मलबे के अंदर उनको जो है हमारा क्या बोलते हैं ठीक किए जाए या नए बना दिए जाए वहाँ पे, और पानी हमारा जो स्रोत को जो है खुला छोड़ दिया जाए वहाँ से, या पाइप के द्वारा जो है आगे कन्वर्ट किया जाए, और इसमें जो है क्रेट वाल जो है सीढ़ीदार बनाई जाए ताकि ये मलबा रुक सके। या अगर ये नहीं व्यवस्था नहीं होती है तो इसको जो यहाँ से स्थानांतरित दूसरी जगह किया। बिल्कुल शांति से हमने यहाँ सब कुछ जो भी है झेला है, लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम धरने पे यहाँ बैठ जाएंगे, और किसी भी सरकार में और किसी भी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक को यहाँ से हटा सके। धन्यवाद।